25 दिसंबर के बाद से ही लगातार धुंध पड़ रही है और शीतलहर चल रही है, जिसके कारण हाड़कंप कपाने वाली ठंड पड़ रही है। कोहरे के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया, सूर्यदेव के दर्शन होना भी मुश्किल हो गए हैं। मेरा नाम केवल किशन नैयर है। अम्बाला में ठंड खूब पड़ रही है, बरसात हो नहीं रही है। दोपहर बाद सूर्यदेव कभी कभी दर्शन दे देते हैं और लोग शिमले का आनंद अम्बाला में ही ले रहे हैं। ठंड से बस कपड़े डाल के बचाव करना है और क्या, और शिमला का मजे लेना, यहाँ घूमो, शिमला जाने की लोड़ ही नहीं, आनंद आ रहा। अगर कुछ समय के लिए सूर्यदेव लोगों को दर्शन देते भी हैं तो वही शाम से ही घना कोहरा शुरू हो जाता है। घने कोहरे के कारण सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को हो रही है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने के कारण आगे रास्ता देखना भी मुश्किल हो गया है। सड़कों पर वाहन रेंग रेंग कर चलने पर मजबूर हो गए हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड और घने कोहरे का असर अब लोगों के रोजगार पर भी हो रहा है। यहाँ पे राहुल मेरा नाम है जी, यहाँ पे ठंड बहुत है, ठंड से बचने के लिए आज सेक रहे हैं जी। काम टेंट का काम करते हैं, कारोबार बंद है, अभी ठंड के चक्कर में काम ही नहीं चल रहा, काम बंद है चल रहा है जी। आज खबर बन गई। क्या नाम है जी? जसबीर सिंह जी। सर ठंड बहुत है, ठंड के कारण हम आग जला के बैठे हैं जी, बहुत ज्यादा ठंड है सर। कारोबार बिल्कुल ठंडा बड़ा है सर, 5 दिन से गाड़ी बिल्कुल खड़ा है जी, मतलब चली ही नहीं है जी, काम बहुत ठंडा है। क्या काम करते हैं? बस ये गाड़ी चलाते हैं जी हम। ठीक है चल भाई, आ जा। ना ना ये केले से आप बोल दो, कोई नहीं बोल दो। नहीं यार बोल दे यार, कोई इसमें क्या कौन सा। ठंड के कारण लोग अपने घरों में दबकने को मजबूर हो गए हैं। लोगों का कहना है कि कारोबार बिल्कुल मंदा हो गया है। वहीं कुछ लोग इस मौसम का आनंद भी ले रहे हैं। उनका कहना है कि अम्बाला में शिमला से ज्यादा ठंड पड़ रही है। उनका कहना है कि ठंड का मजा ही कुछ और है। उन्होंने कहा कि लोग तो वैसे ही पैसे खराब कर रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, कसौली और ना जाने कहां कहां जाकर ठंड का लुत्फ उठा रहे हैं। विक्रम चौहान है जी। बस देखिए ठंड तो बहुत अच्छा नज़ारे दे रही है जी, 25 दिसंबर के बाद तो ठंड का मजा ही कुछ और है। लोग तो मैं कहता हूं कि ऐसे पैसे अपने ख़राब कर रहे हैं, जो शिमला जा रहे हैं, कसौली जा रहे हैं और ना जाने कहां कहां जाके अपना इस लुत्फ को उठा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं अम्बाला में आकर के यहां पे लुत्फ उठाएं। यहां पे इतना हसीन मौसम होया हुआ है कि लोग इस धुंध को तरस रहे थे, आज 10 साल बाद कम से कम पता चल रहा है कि ऐसा दोबारा से ठंड का माहौल बना है यहाँ पर आकर। देखिए बचाव लोग तो अब कहीं जगह देखने को मिल रहा है कि चाय की चुस्कियाँ चल रही हैं, लोग आग लगा के बैठे हुए हैं। और हम सबसे बड़ी बात तो ये देखने को मिलती है कि आप सुबह सुबह शहर पे जाओ या कहीं जाओ तो सुभाष पार्क में भी लोगों को देखने को मिलता है कि फिर भी ठंड का, इतनी ठंड होने के बावजूद भी वहाँ पे लुत्फ उठा रहे हैं कि उन्होंने सैर करनी नहीं छोड़ी। बुजुर्ग हमारे आज भी जा रहे हैं वहाँ पर और कंटिन्यू जिनकी रेगुलेशन बनी हुई है वो जा ही रहे रेगुलर, और का बहुत ठंड के माहौल में अच्छा जीवन व्यतीत हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। लोगों का कहना है कि लोग इस धुंध को तरस रहे थे, आज 10 साल बाद ऐसा माहौल बना है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इतनी ठंड हमने अपनी 57 साल की जिंदगी में नहीं देखी। उन्होंने दूसरे लोगों से भी आह्वान किया है कि अम्बाला आएं और यहां ठंड का आनंद लें। उन्होंने कहा कि शिमला मनाली जैसी ठंड मानो अम्बाला में ही आ गई है। मेरा नाम बल्केश है, आप मेरी हालत देख सकते हैं, सिर से लेकर पाँव तक मैं ऊनी कपड़ों में ढका हुआ हूँ। इतनी ठंड मैं मुझे जहाँ तक मुझे अपने 50 दशक मुझे हो गए, मैं 57 साल का हूँ और इतनी ठंड मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं झेली जो अब मुझे झेलनी पड़ रही है। शिमला कुल्लू मनाली जाकर क्या करेंगे, वो सारी ठंड समझो अम्बाला में आ गई है। इस वक्त बहुत ठिठुरन है, बाहर घना कोहरा है, धुंध है और जीटी रोड पर वाहन भी नहीं आ जा सकते हैं। 6 बजे इतना ज़्यादा कोहरा छा जाता है कि सड़कों पर निकलना बहुत रिस्की हो जाता है। मैं उन्हें यही कहूंगा कि मैं अम्बाला देख रहा हूं, अम्बाला में हूं मैं, आप अम्बाला आएं, अम्बाला का पर्यटन बढ़ाएं, वहां पैसा खर्चने की बजाय यहां इस ठंड का आनंद लें। भरपूर ठंड है यहां, वहां कुछ नहीं दिखेगा आपको, आप आके पहाड़ भी ओझल हो गए होंगे जो यहां सड़कें दिखेंगी। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।